दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो एम्पलीफायर पार्ट्स परचेज करना चाहते हैं और एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जो इस लाइन में नए नए हैं, तो बने रहिए आज की वीडियो में। दोस्तों स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं साउंड लेवल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में रहेगा IP 3951 ड्राइवर बोर्ड, जो कि आता है आहूजा की ओर से। ये आहूजा का डिज़ाइन किया हुआ ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों, जो कि आहूजा के 500 वाट और 250 वाट एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलता है। यानी सिर्फ 500 वाट ही नहीं दोस्तों, कि ये आपको 24 वोल्ट के और 36 वोल्ट के किसी भी एम्पलीफायर में आहूजा के आपको ये ड्राइवर बोर्ड मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है ये लोकल टाइप एम्पलीफायर के लिए है, 250 वाट के लिए। लोकल टाइप में बहुत सारे एम्पलीफायर आते हैं जिसमें ये आपको ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में यह ड्राइवर बोर्ड रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है और कभी फॉल्ट आए तो इसको कैसे रिपेयर करना है। जो लोग इस ड्राइवर बोर्ड को परचेज करना चाहते हैं, वन पीस या टू पीस या बल्क में भी आप 150 पीस लेना चाहें, तो वो कैसे परचेज करेंगे, तो दोस्तों आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में ये अपना स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप मुझे 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप एनी टाइम कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर प्राइस को लेकर के, और ये आपको बाय कोरियर आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये आपको कैसे एम्पलीफायर में लगाना है और किस टाइप से ये लगा होता है। अगर हम आहूजा के एम्पलीफायर की बात करें तो ये आपको 24 वोल्ट और 36 वोल्ट के किसी भी एम्पलीफायर में देखने को मिल जाएगा, केवल 24 और 36 वोल्ट के एम्पलीफायर में। और लोकल टाइप के एम्पलीफायर में बात करें तो दोस्तों ये 1000 वाट के एम्पलीफायर में भी यूज होता है, 1200 वाट के जो बूस्टर एम्पलीफायर होते हैं उसमें कुछ कंपनियां इस बोर्ड को यूज करती हैं। IP 3951 ये इसका मॉडल नंबर होता है, ये IP कोर ट्रांसफार्मर है। ये कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं यह ड्राइवर बोर्ड कैसे काम करता है। दोस्तों मान लेते हैं कि 500 वाट एम्पलीफायर में यह बोर्ड लगा हुआ है और यह आप लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका पावर इनपुट जो है वो V2 यहाँ से है, यहाँ से आप इसको पावर देंगे। लेकिन यहाँ पावर देने से पहले समझने वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर एक वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है, जो क्या 7818 है, 7818। आप यहाँ पर जो भी सप्लाई देंगे वो वोल्ट रेगुलेटर के इनपुट में जाएगी, उसके बाद वोल्ट रेगुलेटर 18 वोल्ट देगा, जो कि इस ड्राइवर बोर्ड को ऑपरेट करने में काम आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कितने वोल्ट देने हैं ये डिपेंड करता है वोल्ट रेगुलेटर पर। वोल्ट रेगुलेटर जैसे आपने देखा कि 7818 है, इसका जो इनपुट होता है दोस्तों 26 वोल्ट से 38 वोल्ट तक होता है, जो कि आप 30 वोल्ट अप्रोक्स इसको दे सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा रहता है इसके लिए। तो जैसे आप 500 वाट एम्पलीफायर में देखेंगे दोस्तों के मेन कैपेसिटर पर, जब भी आप उसकी मेन सप्लाई को चेक करेंगे तो आपको अप्रोक्स वहाँ 40 वोल्ट मिलेंगे। आपको वहाँ 42 भी मिल सकते हैं, 43 भी मिल सकते हैं और 41 भी। तो आपको क्या काम करना होता है कि दोस्तों मेन सप्लाई से एक रजिस्टर की हेल्प से यहाँ तक पावर सप्लाई लानी होती है, जो कि रजिस्टर की वैल्यू होती है 5 वोल्ट 150 ओम्स, यानी 5 वाट 150 ओम्स की रजिस्टर लगती है इस टाइप की। ये जैसे ख़राब रजिस्टर है मेरे पास, इस टाइप का रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर की हेल्प से आप यहाँ तक 30 वोल्ट लेकर के आएंगे, उसके बाद इसको यहाँ दे सकते हैं और ये आपको 18 वोल्ट आउटपुट में देगा, जिससे कि ड्राइवर बोर्ड ऑपरेट होता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि ये 18 वोल्ट यहाँ आपको आउट भी मिल सकते हैं और ये 18 वोल्ट यहाँ सीधे जाते हुए इस रजिस्टर पर आते हैं और इस रजिस्टर की हेल्प से यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में दिया जाते हैं 6 वोल्ट। इस ट्रांसफार्मर का दोस्तों जो इनपुट है, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में दिया जाता है, वो आपको 6 वोल्ट है, 6 में 6.5 भी हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों यह आउट देता है हमें 1 वोल्ट, जो कि इस ट्रांसफार्मर के लिए ड्राइव होती है। यह हमारा जो ट्रांसफार्मर है 3951 दोस्तों, इसका जो आउटपुट है वो होता है 1 वोल्ट, करेक्ट 1 वोल्ट होना चाहिए, थोड़ा अप डाउन भी चल जाता है। दोस्तों इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर ने जो ड्राइव दी है वो इस ट्रांजिस्टर के लिए दी है, दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव आती है। इसके बेस पर आपको 1 वोल्ट देखने को मिल जाएगा और इसके बेस पर भी आपको 1 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। यदि यहाँ 1 वोल्ट नहीं आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 वेरिएबल रजिस्टर लगी हुई है, जो कि प्रीसेट भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रीसेट लगा है इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर और एक प्रीसेट लगा है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर, यानी एक इसकी इनपुट पावर सप्लाई में लगा हुआ है और इसकी आउट में लगा हुआ है। तो दोस्तों जो इनपुट में लगा हुआ है वो ये है 10K का, इससे आप इसका इनपुट एडजस्ट कर सकते हैं, यानी 1 वोल्ट आपको यहाँ पर देना होता है। जब आप इसको घुमाएंगे तो आपको
मल्टीमीटर से वो चीज देखने को मिल जाएगी। इस ट्रांजिस्टर को आपको 1 वोल्ट देना है। और ये ट्रांजिस्टर दोस्तों 4007 3055 और भी कई ट्रांजिस्टर आते हैं जो इसमें लगा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। में इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों। जैसे यहाँ तक 1 वोल्ट आ जाते हैं उसके बाद यह आपको हाफ वोल्ट देगा। और एक चीज और दोस्तों, जो यहाँ से यहाँ तक पावर सप्लाई आई है जो आपने देखी है, ये एसी होती है। ये ट्रांसफार्मर एसी 1 वोल्ट देता है, वो यहाँ पर 1 वोल्ट आपने दे दिया, उसके बाद में यहाँ पर आपको हाफ वोल्ट मिल जाएगा, वो भी एसी होता है। डीसी पर भी आप मेजर कर सकते हैं उसको, लेकिन एसी वोल्ट होता है वो। और यह ट्रांजिस्टर हाफ वोल्ट आगे आपको देता है, जो कि आपको यहाँ बेस 1 पर मिल जाएंगे और यहाँ बेस 2 पर इस ट्रांजिस्टर की ड्राइव आउट मिलेगी देखने को, जो कि आपके मेन ट्रांजिस्टर के लिए होती है। आपका एम्पलीफायर मेन ट्रांजिस्टर 2SC5200 भी हो सकता है, TTC5200 भी हो सकता है, और 3773 जो ओल्ड टाइप में लगा होता है वो भी हो सकता है। तो इसके हमें बेस पॉइंट पर हाफ वोल्ट देने होते हैं। यदि वहाँ आपको हाफ वोल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको क्या देखना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं, जो क्या ये बेस पर लिखा हुआ है, इस पर सिंपल बिल्कुल बेस, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आउट निकले जाने वाली दोस्तों इस प्रीसेट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ तक का ड्राइव, के कैसे ड्राइव बनाता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि थर्मिस्टर कुछ बोर्ड में इस तरह से होते हैं, तो आप इनको हमेशा हीट सिंक के करीब रखना, जिसके हीट को मेजर करते हैं। और दोस्तों कनेक्शन ये कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बी जो है बेस है और ई मीटर है और जी ग्राउंड है ही। और ये आप वोल्ट 1 देख रहे हैं, तो ये वोल्ट 1 दोस्तों इसका कलेक्टर है इस ट्रांजिस्टर का। जो आपके मेन ट्रांजिस्टर पर कलेक्टर पर वोल्ट है, वही सेम वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देने होते हैं। आप 250 वाट में लगाएं या 500 वाट एम्पलीफायर में लगाएं, किसी पर भी लगाएं, तो दोस्तों सेम वोल्ट आपको वही यहाँ देने होते हैं जो कि आपने मेन ट्रांजिस्टर पर दिए हैं। कलेक्टर आता है दोस्तों एम्पलीफायर के मेन फिल्टर से, उसके बाद सिंपल है, बेस इमिटर आप लगा ही सकते हैं। और उसके बाद ये 18 वोल्ट आउट है। अगर आपके पास कोई इस तरह का बेस ट्रैवल बोर्ड है जिसके के अंदर 78-12 लगी हुई है, तो यहाँ से आप उसको 18 वोल्ट दे सकते हैं। यदि आपके एम्पलीफायर में कुछ इस तरह का ऑडियो बोर्ड लगा हुआ है जिसको क्या 12 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें ये प्री एम्प के लिए आउट दिया हुआ है, यहीं से माइक बोर्ड चलता है दोस्तों, और यहीं से बेस ट्रैवल बोर्ड चलता है एम्पलीफायर का। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से 12 वोल्ट आपके बीटी बोर्ड के लिए जाएंगे, और बीटी बोर्ड से दोस्तों करीब 10 वोल्ट माइक बोर्ड के लिए जाते हैं 500 वाट और 250 वाट एम्पलीफायर में। यह बोर्ड आहूजा में देखने को मिलता है, हमारे जो भी आहूजा के 24 वोल्ट और 36 वोल्ट के एम्पलीफायर हैं उसमें यह बोर्ड लगा होता है। और लोकल टाइप के एम्पलीफायर में बात करें तो दोस्तों ये 1000 वाट के एम्पलीफायर में भी यूज़ होता है, 1200 वाट के जो बूस्टर एम्पलीफायर होते हैं उसमें कुछ कंपनियां इस बोर्ड को यूज़ करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस बोर्ड को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 1 और 2 पीस भी आपको मिल जाएगा, और आपको बल्क में 150 पीस चाहिए तो वह भी आपको मिल जाएंगे।